मुझको गले लगाकर तेरी गलतियों को फिर से जाऊं तुझको समझाकर मैं जा रहा हूं दूर तुम आवाज दोगी क्या मैं जा रहा हूं दूर तुम आवाज दोगी क्या तेरा ओके सो ही गाइस कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार का न्यू वीडियो को बनाने वाले हैं। सो अगर आप भी इस प्रकार की वीडियो को बनाना चाहते हो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप इस प्रकार की वीडियो बनाना चाहते हो सबसे पहले आप लाइट मोशन ऐप को डाउनलोड कर लेना क्योंकि आप इसी ऐप की मदद से इस वीडियो को बनाएंगे। तो अगर लाइट मोशन ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो तो सिंपली आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। ओके तो गाइस और बिटमार एंड सेगफिट को इंपोर्ट कर लेना जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो आई होप कि आप उसको इंपोर्ट कर पाओगे। अगर आपको इंपोर्ट करना नहीं आता है तो उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, आप चाहो तो उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। ओके सो गाइस अब बढ़ते हैं अपनी एडिटिंग के तरफ। सो वीडियो एडिट करने के लिए आपको सबसे पहले बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन करना है। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना एंड नीचे एक कमेंट भी कर देना। सो इस प्रकार से आपको लिरिक्स दिख जाएगा। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ ये जो एक लिरिक्स है मतलब ये लिरिक्स है वीडियो है ना कि लिरिक्स है, तो इसे लिरिक्स समझ के इसमें फ़ॉन्ट सब ऐड करने की मतलब वो मत सोचना। तो ये एक लिरिक्स है, इसमें आपको फ़ोन की ज़रूरत नहीं कर पड़ेगी क्योंकि एक वीडियो है। ओके इसको इधर फिलहाल के लिए छोड़ देना है। ऐसे ही आपको यहाँ पे आगे चले आना है इस एरो पे क्लिक करके एंड यहाँ पे प्लस पे मतलब यहाँ पे ना ये जो पहला बीट मार्क है इसको ब्लैंक छोड़ देना है, मतलब इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। ओके सो यहाँ पे हम एरो पे क्लिक करके अगले बीट मार्क पे आ जाएंगे जो कि 23.18 सेकंड पे। तो यहाँ पे हम प्लस पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ना आपको अपनी फोल्डर को सिलेक्ट करके किसी एक फोटो को आपको सिलेक्ट करना है। ओके तो अगर आप दो फोटो यूज करना चाहते हो तो दो फोटो भी यूज कर सकते हो, तीन फोटो यूज करना चाहते हो तीन फोटो यूज कर सकते हो, जितना फोटो यूज करना चाहते हो उतना कर सकते हो, बट मैं एक ही करूँगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे ना आपको फोटो जो है ना एड कर लेना है एंड लास्ट में चले आना है और इस वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ पे फिर इसका लेंथ बढ़ा लेना है। फिर इसी फोटो को सिलेक्ट करके ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करना है एंड फिल कंपोजिशन एरिया वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। ओके फिर आपको शुरू में आ जाना है सबसे पहले एंड यहाँ पे देखो इस वाले बीट मार्क पे आपको आ जाना है जो कि 23.18 सेकंड पे। इस एरो पे क्लिक करना है, अगले बीट मार्क पे जाना है और यहाँ पे फोटो को सिलेक्ट करके इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर इस एरो पे क्लिक करना है दो बार बिकॉज आगे डबल बीट मार्क है। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे मतलब फोटो को सिलेक्ट करके इस वाले ऑप्शन से फोटो में कट लगा देंगे। फिर इस एरो पे क्लिक करेंगे, फोटो में सेलेक्ट नहीं करना है पहले एरो पे क्लिक करना है फिर मतलब फोटो को सिलेक्ट करके इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओके फिर हम यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फोटो सेलेक्ट करके ट्रिम करेंगे। तो इसी प्रकार से इतना भी बीट मार्क है सभी बीट मार्क पे हम जाके फोटो में कट लगा देंगे। सॉरी मैंने बोला था ट्रिम आपको नहीं करना है, आपको बल्कि कट लगाना है। तो इस प्रकार से ना आपको फोटो में कट लगा देना। अगर आप दो इमेज यूज करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, एक इमेज आप यहाँ से लेकर यहाँ तक यूज कर लेना। ओके यहाँ तक 27 सेकंड तक, उसके बाद इधर दूसरा फोटो यूज कर लेना, बट मैं आपको कहूँगा एक ही फोटो लगाना। जैसे आप इतना कर लोगे फिर यहाँ से आप बैक आ जाना एंड सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना और पहले वाला इफेक्ट पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना और बैक आके बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। और ओपन करने के बाद सिंपली आपको आगे जाना है। ओके सो आगे जाने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, जो हमारा शुरू का दो फोटो इस फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक कर थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है और एक फोटो को छोड़ देना जो जिसका लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा है। फिर आगे का तीन फोटो में आपको पेस्ट कर देना है। ओके जैसे कि आप लोग दे सकते हो छोटा छोटा तीन फोटो में, फिर एक फोटो को छोड़ना है एंड फिर से आगे आपको पेस्ट करना है तीन फोटो में। इस प्रकार से हमारा जो फोटो है ना ख़त्म हो जाएगा। ओके तो गाइस जैसे कि आप लोग दे सकते हो एंड इतना करने के बाद फिर यहाँ से बैक आ जाना है एंड फिर से सेकंड इफेक्ट प्रोजेक्ट को ओपन करके सेकंड नंबर का जो इफेक्ट है उसको कॉपी कर लेना है एंड यहाँ से बैक आके बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन करना है और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके लास्ट में चले आना है। और यहाँ पे जो ना जो बचा हुआ फोटो है ना सिंपली आपको उसको सिलेक्ट कर करके इफेक्ट पे क्लिक कर करके पेस्ट इफेक्ट कर देना होगा। ओके तो यहाँ पे आप जो है बचा हुआ फोटो में इफेक्ट को पेस्ट कर देना जैसे कि आप लोग दे सकते हो। ओके तो दो ही फोटो बचा हुआ था हमने पेस्ट कर दिया। फिर यहाँ से आपको बैक आ जाना है, सेकंड इफेक्ट प्रोजेक्ट को ओपन करके यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट ऑल लेयर करना है, नीचे से दोनों इमेज को अनटिक कर देना है। ओके फिर यहाँ पे क्लिक करके कॉपी फोर लेयर करना है, फिर बैक आना है बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन करना है। और अगर आप चाहते हो तो जाते हो तो शुरू में ही आप इस पर क्लिक करके पेस्ट फोर लेयर कर सकते हो, बट मैं हाँ लिरिक्स पे रख सकते हो मैं रख लूँगा। ओके तो फिर आपको सिलेक्ट करके लास्ट में चले आना है और यहाँ पे लॉन्ग प्रेस कर रखना है, ऊपर के जो चार लेयर है इसको सिलेक्ट करना है और इस वाले आइकन पे क्लिक करके इसका लेंथ लास्ट तक लेके आ जाना है। ओके तो जैसे इस प्रकार से हो जाएगा, जैसे कि आप लोग दे सकते हो आपकी वीडियो बनकर तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, ऊपर शेयर का आइकन पे क्लिक करके अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। ओके
सो गाइस बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना।